गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज क्वेश्चंस पढ़ते हैं अपन। मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर कलरफुल मोस्टली। व्हाई? मेटल कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं, अधिकांश कंपाउंड कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, उस कलरफुल होने का क्या कारण है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कलरफुल है या कलरलेस है, उसको दो फैक्टर इफेक्टेड करते हैं। एक जो फैक्टर है वो इफेक्टेड करता है डी डी कंडीशन। मेटल कॉम्प्लेक्स मुख्य रूप से जो बनाते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, और जब दृश्य प्रकाश जो होता है, विजिबल जो लाइट है, उस विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश से जो पदार्थ है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेगा तो मॉलिक्यूल्स जो हैं एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। मतलब इसके अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, पहले सपोज ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, और जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तब ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। ये ग्राउंड स्टेट थी और ये क्या आ गई, एक्साइटेड स्टेट आ जाती है। और इस प्रकार से ये जो एक्साइटेड स्टेट होती है ये अनस्टेबल होती है। कैसी होती है? अनस्टेबल होती है, और अनस्टेबल होने के कारण ये पुनः ही एनर्जी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, इमिट एनर्जी। और जब एनर्जी को इमिट करेंगे और वापस इसमें आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो जिस प्रकार की ऊर्जा अवशोषित करते हैं और कौन से कलर की ऊर्जा का परावर्तन करते हैं उसके आधार पर उसका जो कलर है वो कलर दिखाई देता है। अगर पदार्थ सभी प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित कर देता है तो ब्लैक हो जाएगी, और ऊर्जा को अवशोषित करता ही नहीं है तो वाइट हो जाएगी। और इसके अलावा वो इस वेवलेंथ की जो विकिरण है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसके आधार पर उसका जो कलर है वो भिन्न भिन्न कलर, भिन्न भिन्न पदार्थों का जो कलर है वो भिन्न भिन्न दिखाई देता है। अब देखो, मैक्सिमम जो डी डी ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, क्योंकि अगर डी वन से D9 तक की कंडीशन है, D1 से D9 तक की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल। और जब डी ट्रांजिशन होगा तो वो कैसे होंगे, कलरफुल होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन D0 या D10, अगर इस प्रकार का D0 या D10 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल। और जब डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा तो उस कंडीशन में कलरलेस कंपाउंड कैसे होंगे, कलरलेस कंपाउंड होते हैं। तो इस प्रकार से डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं
उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्टली D1 से D9 के बीच में होता है और डिपेंडेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण एक जो डी इलेक्ट्रॉन है उसका हाई ऊर्जा वाले डी कक्ष को के अंदर स्थानांतरण हो जाता है। इस कारण से वो क्या दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं। लेकिन अगर किसी का D0 या D10 विन्यास है तो उस कंडीशन में वो कैसे दिखाई देते हैं, कलरलेस दिखाई देते हैं। जैसे कि देखते हैं TiCl4 और एक है TiCl3। अगर इनकी बात करें TiCl4 और TiCl3 की बात करें तो यहाँ पर Ti की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +4 और यहाँ पर Ti की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +3। जब यहाँ पर Ti की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है यहाँ पर +3 है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 3D0 हो जाएगा, इसका लिखोगे 3D1 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट और ये इलेक्ट्रॉन आगे के दूसरे कक्षकों के अंदर स्थानांतरित होता रहता है, इसलिए यहाँ पर डीबी ट्रांजिशन होगा। और जब डीबी ट्रांजिशन होगा तो इसका मतलब ये कैसा होगा, कलरफुल दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डीबी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल और ऐसी स्थिति में ये कैसा दिखाई देगा, कलरलेस दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इसको मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो कलर है उसको प्रभावित करने वाला एक फैक्टर कौन सा है, डीबी ट्रांजिशन है, मेन फैक्टर यही है। इसके अलावा एक दूसरा फैक्टर और होता है चार्ज ट्रांसफर स्टेट का। दूसरा फैक्टर कौन सा है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर क्या है, कोई कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हुए भी वो कैसे दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं। तो उसकी जो कलरफुल है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और ऐसी स्थिति में उसके चार्ज में ट्रांसफर होने के कारण वो कैसे दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो कलरफुल और कलरलेस को एक्सप्लेन किया जाता है वो मोस्टली दो फैक्टर्स के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, एक डीबी ट्रांजिशन के द्वारा और दूसरा जो इसे एक्सप्लेन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थैंक यू।